यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये जो टर्म है, अब सबको पता होगा बाय नाउ कि ये जो है ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक पार्ट है जो कि मेंशन है आर्टिकल 44 में। ये सबसे ज़्यादा एक सेक्युलर आर्टिकल है। सबसे ज़्यादा सेक्युलर का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब यह है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे सेक्युलरिज्म के बारे में बात किया गया है आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 26, 27, 28 में, उसी तरीके से ये भी एक ऐसा आर्टिकल है। अगर UPSC पूछता है कि सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट कहाँ पे मिलेगा हमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, या ये पूछ दे कि इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री, ये कौन कौन से आर्टिकल से पता चलता है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आर्टिकल 25 से 28 और आर्टिकल 44। इन दोनों चीज़ों से पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अगर बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रीएम्बल के अंदर भी तो लिखा हुआ है, तो सवाल ये था कि कौन कौन से आर्टिकल्स में है, इसलिए हमने आर्टिकल 25 से 28 और 44 बोला। अगर बोलते हैं एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पे है, तो ऑब्वियसली इट विल इंक्लूड प्रीएम्बल, इट विल इंक्लूड आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 14 एज वेल, जहाँ पे रिलीजन वाला शब्द मेंशन किया गया है, जहाँ पे रिलीजन वाला शब्द मेंशन किया गया है। सो टेक्निकली क्योंकि ये सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इंडियन सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में मोर ऑर लेस तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म का जो 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 एसेंस है वो देखने को मिलता है। नंबर वन इज इन प्रीएम्बल, उसके बाद देखने को मिलता है हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 14, 15, 16 डायरेक्टली मिलता है। उसके अलावा आर्टिकल 17 के अनटचेबिलिटी में भी बहुत बार जो है वो कास्ट बेस्ड है। अब कास्ट सिर्फ हिंदुओं में है ऐसा नहीं है, मुस्लिम्स में भी अलग अलग किस्म के लोग हैं, उधर भी अलग अलग डिविजन्स किए गए हैं, तो किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, तो एंटी डिस्क्रिमिनेटरी ये भी है। इसके अलावा 25 से लेकर के 28 तक पूरा, इसके अलावा 44 में आपको मिलेगा सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे एरियाज़ में आपको सेक्युलरिज्म की जो एसेंस है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि ये प्राइवेट या पर्सनल लॉ के बारे में बात करता है। पर्सनल लॉ का यहाँ मतलब होता है कि जैसे मान लो शादियाँ, ठीक है, मैरिजेस, डिवोर्सेस, ठीक है, अडॉप्शन, इस तरह की जो चीज़ें हैं, मेंटेनेंस, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी पर्सनल लॉज में आती हैं या प्राइवेट लॉ में आती हैं। अब ये पर्सनल लॉ इसलिए क्योंकि ये हिंदुओं का अलग है, मुस्लिम्स का अलग है, सिख का अलग है, ईसाई का अलग है। अब क्योंकि अलग अलग है तो कई बार देखा जाता है कि जो हिंदू औरतें हैं उनको मैरिजेस या डिवोर्सेस या अडॉप्शन या मेंटेनेंस के इश्यूज जो है उनको कम फेस करना पड़ता है रादर देन मुस्लिम वुमेन। यानी कि लड़कियां सारे के सारे हैं, बीवियां सब हैं, लेकिन बाय वर्चू ऑफ बीइंग बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन उनकी डिवोर्सेस के समय पे या उनके अडॉप्शन या मेंटेनेंस की सिचुएशंस में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बिकॉज दे फॉलो अ पर्टिकुलर लॉ विच इज़ बेसिकली देयर रिलीजियस लॉ, रिलीजियस टेक्स्ट। तो भारत सरकार ये नहीं चाहती है कि हर एक के लिए अलग अलग लॉ है लॉ रहे विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस का अलग, अडॉप्शन का अलग, डिवोर्सेस का अलग। भारत सरकार चाहती है कि सबके लिए एक सिंगल लॉ बने जिसमें सब लड़कियों को, सब बीवियों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इरेस्पेक्टिव ऑफ विच एवर रिलीजन दे फॉलो। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रोग्रेसिव, इसको हम लोग कह सकते हैं, इसे बहुत ही लिबरल और बहुत ही प्रोग्रेसिव चीज़ है। हालांकि इस चीज़ को अभी भी इंप्लीमेंट ढंग से नहीं किया जा पा रहा है पैन इंडिया लेवल पे। अब ये तो रही डिटेल में डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब हम बात करते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि रिसेंटली हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है, एक PIL फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में 2019 में, जिसमें कहा गया था कि क्यों नहीं हम इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं UCC का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड दैट देर इज नो डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड कैन बी इशूड बाई द कोर्ट। क्या मतलब है इसका, फिर से समझते हैं। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस सेड इन रिस्पॉन्स टू अ PIL फाइल्ड इन 2019, एक PIL फाइल किया गया है उसके कॉन्टेक्स्ट में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ उत्तर दे रहा है कि इंप्लीमेंट करना यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये इज अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये इंप्लीमेंट होगा कि नहीं होगा ये सरकार तय करेगी, क्यों, क्योंकि एक पब्लिक पॉलिसी है, इसके बारे में कोर्ट का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोर्ट जो है वो सिर्फ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी है, कोर्ट सिर्फ डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करता है। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग जो है या लॉ बनाना, पॉलिसी या प्रोग्राम बनाना, ये सरकार का काम है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस वही कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे ये इंप्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, ये सब पब्लिक पॉलिसी का मैटर है, इस पर कोर्ट की कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक PIL फाइल हुआ है 2019 में उसमें। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ बताई गई है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या बातें कही गई हैं। ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइड्स वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज इन देयर पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन एक्सेट्रा। एक्जैक्टली वही चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ी। ये आर्टिकल 44 में मेंशन है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है। और स्टेट शैल एंडेवर, स्टेट को हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए कि किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड या UCC को सिटीजन्स के लिए माइंड इट, नॉट फॉर एवरीबडी एल्स, सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल किया जाए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब आज के तारीख में यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्टेटस क्या है, भारत में देखिए इंडियन लॉ डू फॉलो अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन मोस्ट सिविल मैटर्स। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करते हैं मोस्ट सिविल मैटर्स, यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, पार्टनरशिप हो गया,
सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, इन सब में ना किसी भी तरीके का रिलीजन का कोई स्कोप नहीं है। स्टेट्स ऐसे भी हैं, देयर हैव मेड हंड्रेड्स ऑफ अमेंडमेंट्स एंड देयरफॉर इन सर्टेन मैटर देयर इज अ डाइवर्सिटी इवन अंडर दीज सेक्युलर सिविल लॉज। यानी कि ऐसा नहीं, जैसे मान लो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एक आदमी के नाम से दूसरे आदमी के नाम पर प्रॉपर्टी चेंज होगी, या कोई आदमी प्रॉपर्टी खरीदेगा, कोई बेचेगा, कोई डिस्पोज करेगा, कोई जला देगा, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैं तुमसे कुछ सामान खरीद रहा हूँ बदले में तुम मुझे कुछ और कंसिडरेशन में दे रहे हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं, क्या इसके अंदर कोई रिलीजन का स्कोप है? तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार और हमारे लॉ के अनुसार इंडिया डू फॉलो सिविल मैटर, कॉन्ट्रैक्ट के केसेस हों या टॉर्ट के केसेस हों या सिविल प्रोसीजर के हों, इस तरीके की चीज़ों एविडेंस पे हो, इस तरीके की चीज़ों पे रिलीजन का सच कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। हालांकि ये इतनी बार, ये सारे लॉज इतनी बार चेंज हो चुके हैं, अमेंड हो चुके हैं, क्योंकि मोस्टली ये सारे लॉज जो है वो ब्रिटिश पीरियड से बने हुए हैं। जैसे एविडेंस जो है वो बहुत पुराना है, 1800 समथिंग का, 1872 का है, ठीक है। जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो भी बहुत पुराना है, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो भी 1882 का है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 1872 का है। तो मतलब कि पुराने लॉज हैं, तो इसमें बहुत बार अमेंडमेंट आया है। जितनी बार अमेंडमेंट आया है, ये सब के अंदर रिलीजन का एस्पेक्ट भले ही नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन बढ़ गया क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, वो अलग बात है। लेकिन क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई रिलीजियस वाली एस्पेक्ट नहीं है। हालांकि रिसेंटली बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने मना कर दिया है कि वहाँ पे यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल्स एक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन पूरे भारत में ये एमसीक्यू में बन सकता है कि पूरे भारत में गोवा एक ऐसा राज्य है जिन्होंने यूसीसी को, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को, ऑफिशियली कॉमन लॉ फॉर फैमिली लॉ या फॉर फैमिली मैटर्स ये एक्सेप्ट कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। अच्छा, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल्स एक्ट 2019 ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, और दूसरा गोवा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यूसीसी के बारे में, यूसीसी बना कैसे, यूसीसी कैसे आया, ये इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें भी तीन चीज़ें आप लोगों को लिखना है। पहली चीज़ है कि प्री इंडिपेंडेंस यानी कि कॉलोनियल पीरियड में, उसके बाद है पोस्ट इंडिपेंडेंस, और उसके बाद है एक लैंडमार्क केस। जो प्री इंडिपेंडेंस है उसमें तीन चीज़ें पढ़नी है। पहली लेक्स लोसाई, लेक्स लोसाई मतलब लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड के रिपोर्ट के अनुसार जो कि अक्टूबर 1840 में प्लेस किया गया था, उसने स्ट्रेस किया था, उसने फोर्स किया था द इंपॉर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ ए यूनिफॉर्मिटी इन कोडिफिकेशन ऑफ द इंडियन लॉ रिलेटेड टू क्राइम एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट। साथ ही साथ रिकमेंड किया था दैट पर्सनल लॉज फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स शुड बी केप्ट आउटसाइड सच कोडिफिकेशन। यानी कि प्री कॉलोनियल, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, कॉलोनियल पीरियड में लेक्स लोसाई जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार यूसीसी की जरूरत नहीं है, उसके अनुसार ये प्राइवेट या पर्सनल लॉज जो हैं वो अलग अलग ही होने चाहिए, लेकिन ये जो क्राइम के लॉ हैं, एविडेंस के हैं, कॉन्ट्रैक्ट के हैं, इन सब में आप यूनिफॉर्मिटी लाइए, लेकिन नॉट इन पर्सनल लॉज। इसके कॉन्टेक्स्ट में 1859 में क्वीन का एक प्रोक्लेमेशन आता है जिसमें कहा जाता है कि देयर शुड बी एब्सोल्यूट नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर्स। सरकार किसी भी तरीके के रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? इसलिए नहीं कर रही है कि उसको हम लोगों से या अंग्रेजों को हमारे उस पर्टिकुलर पर्सनल जो चॉइस थी उसको रेस्पेक्ट दे रहे थे, वो इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि देखिए जरा आप यहाँ पर फोकस करिए, 1859 की बात है, 1857 में रिवोल्ट हुआ था भारत में, सिपाही विद्रोह हुआ था, और उस विद्रोह के बाद अंग्रेज लोग बुरी तरह से लड़खड़ा गए थे, जीत गए थे वो बात और है, लेकिन लड़खड़ा गए थे, और उनको लगने लगा था कि अगर हमने इनके पर्सनल मैटर्स पे इंटरफेयर किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम लोग इंटरफेरेंस नहीं करेंगे आपके रिलीजियस मैटर्स पे। नेक्स्ट, एक बी एन राव कमेटी बनाई गई, ये भी प्री इंडिपेंडेंस यानी कि कॉलोनियल पीरियड में एक बी एन राव कमेटी बनाई गई, उसने सबसे पहली बार कोडिफाई किया हिंदू लॉ इन 1941। तो हिंदू लॉ को कोडिफाई करने वाले शख्स का नाम था बी एन राव कमेटी, ठीक है। उसके बाद आती है पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस में सबसे पहली चीज़ होती है हिंदू कोड बिल, जो जिसको ड्राफ्ट किया था अंबेडकर साहब ने। उन्होंने कहा था कि हिंदू लॉ में बहुत सारे रिफॉर्म की जरूरत है, जैसे कि डिवोर्स, पॉलीगैमी, राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस टू डॉटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये हिंदू कोड बिल को लेकर भी काफ़ी डिबेट हुआ था श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। उसके बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आया, जिसने अमेंड भी किया और कोडिफाई भी किया लॉ रिलेटेड टू इंटेस्टेट, नॉट इंटरस्टेट, इंटेस्टेट। इसका मतलब होता है कि अगर कोई इंसान मर जाता है बिना विल लिखे, अगर कोई आदमी है जो मरने वाला और मरने से पहले विल लिख कर रखा है कि मेरा पूरे प्रॉपर्टी का इतना इतना शेयर जो है अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर कोई अनविल्ड करके मर गया है, कोई इंटरस्टेट है, किसने विल नहीं लिखा है, तो क्या होगा? उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो इक्वली आप उसके सक्सेसर्स को मिल जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ जो है ये हिंदुओं के साथ भी है, बुद्धिस्ट के साथ भी है, जैन और सिखों के साथ भी है। हालांकि ये मुस्लिम्स के साथ इसका अलग रिलेशन है, क्रिश्चियंस के साथ अलग है और पारसियों के साथ अलग है। अब एक लैंडमार्क केस जो है, एक नहीं एक्चुअली तीन इंपॉर्टेंट जहाँ तक है, वो है शाबानो केस, सरला मुद्गल केस और दानियल लतीफ़ी केस, ठीक है। अभी तीनों केसेस जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं। इसमें सिर्फ ये कहा गया टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी द कोर्ट्स हैव ऑफन सेड इन देयर जजमेंट इन दीज केसेस दैट द गवर्नमेंट शुड मूव टुवर्ड्स यूसीसी। अब क्योंकि ये लॉ का पेपर नहीं है, हमें इस पर फोकस ज़्यादा नहीं करना है कि इन केसेस में हुआ क्या था, जजमेंट क्या आया था, लेकिन इतना ज़रूरी है
कि हमें पता होना चाहिए कि दानियल लतीफ़ी, सरला मुद्गल और शाह बानू केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है, गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि गवर्नमेंट शुड मूव टुवर्ड्स दी यूसीसी, हमें स्लोली यूसीसी की तरफ मूव करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सो आई बिलीव आपको ये चीज़ पूरी तरह से समझ में आ चुका है। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग एंटी कन्वर्जन लॉ देखेंगे। अब देखो ये दूसरा वाला जो टॉपिक है ये पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड है। पहला वाला टॉपिक क्या था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। दूसरा वाला है एंटी कन्वर्जन लॉज। अब देखो इसमें क्या है, दो तीन चीज़ें मैं बता देता हूँ। पहले इसको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कराता हूँ, मैं इस वाइट शीट को यूज़ करूँगा, देखना इस चीज़ को समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूँ। भारत जो है, इंडिया जो है, वो एक सेक्युलर कंट्री है। अभी सेक्युलर कंट्री का मतलब क्या होता है, सेक्युलर कंट्री का मतलब ये होता है, इंडियन सेक्युलरिज्म का जो मतलब है वो ये होता है कि इंडिया एज ए स्टेट वो दूसरों की, यानी कि हर दूसरों की नहीं कहेंगे हर रिलीजियस प्रैक्टिस को एक ही नज़रों से देखता है, और साथ ही साथ अगर उन प्रैक्टिसेस में कोई भी प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल ईथोस के अगेंस्ट में है, अगर कोई भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल ईथोस के अगेंस्ट में है तो वैसे प्रैक्टिसेस को वो नकार देता है। यानी कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस शुड बी रीजनेबल जस्ट एंड फेयर। अगर ये तीन चीज़ें नहीं हुई तो क्या होगा, तो वैसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर स्टेट विल पॉजिटिवली इंटरफेयर। और इसीलिए इंडिया के सेक्युलरिज्म को पॉजिटिव सेक्युलरिज्म भी कहते हैं, क्योंकि इंडिया सब धर्मों को एक समान देखता है, उसके लिए सारे धर्म जो है वो एक समान है, और अगर कोई धर्म गलत काम कर रहा है या गलत प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको रोकने के भी उसके पास अधिकार है, इंटरफेयर कर सकता है पॉजिटिवली। अब ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर क्या आता है, वो प्रोफेस कर सकता है, यानी कि वो एक चीज़ को मान सकता है, वो दूसरों को बोल सकता है कि हाँ, प्रोक्लेम कर सकता है या प्रोफेस कर सकता है कि यस आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर रिलीजन, या वो उस चीज़ को प्रोपागेट कर सकता है यानी कि उसको फैला सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर भी ये सारे के सारे राइट्स जो हैं, जो कि आर्टिकल 25 में मेंशन है, इसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बात करी। अब बात यह है कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो हैं, लेकिन देखो प्रोफेस, प्रोक्लेम, प्रोपागेट के अंदर ये जो प्रोपागेट है दोस्तों, इस प्रोपागेट में मसला हो सकता है कि प्रोपागेट हम किस लेवल तक करें। क्या प्रोपागेट हम दूसरे को बोलते रहे कि देखो हम मुस्लिम हैं, तुम भी मुस्लिम बन जाओ तो बढ़िया रहेगा, हम लोग भाई की तरह रहेंगे, ये एक लेवल का प्रोपागेशन है। या वो ये कह सकता है कि अल्लाह के बारे में कुछ अच्छी बातें बता रहा है, ये एक प्रोपागेशन हो सकता है। ये सब अलाउड है, अपने धर्म की अच्छाइयों के बारे में लोगों को बताना, लोगों को जागृत करना, लोगों को अट्रैक्ट करना, ये गलत नहीं है, इट इज़ अलाउड। लेकिन अगर तुम यहाँ पे किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करते हो, अगर तुम यहाँ पे प्रोपेगेट के नाम पे किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करते हो, जहाँ से हम लोग का एक कॉन्सेप्ट आता है लव जिहाद, ये लव जिहाद में भी यही हो रहा है कि एक लड़का लड़की शादी कर रहा है, उसके बाद किसी दूसरे को धर्म को जो है वो चेंज करवाया जा रहा है। तो ये जो लव जिहाद वाले एस्पेक्ट्स हैं, ये सब गलत है, ये फोर्स कन्वर्ट ये सब गलत है, दिस आर नॉट अलाउड। अब ये अलाउड क्यों नहीं है, बिकॉज ये आर्टिकल 25 जो है इसके नाम पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये एक्चुअली में 25 के नाम पर अगर इस तरीके की गलत तरीके इस्तेमाल किया गया, विच इज अगेंस्ट द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, तो ऑटोमेटिकली ऐसी हरकतों को जो है आप बंद कर सकते हो। लेकिन लॉजिक ये है कि आर्टिकल 25 के साथ मसला हो जाएगा आर्टिकल 21 का, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर मुझे अगर कोई जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहा है तो मेरा आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। लेकिन हमें पता है कि आर्टिकल 21 और 25 ऑपोजिट नहीं है, इसीलिए 25 के अंदर ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है कि अगर गलती से भी कोई फोर्सफुल कन्वर्शन कर रहा है या इस तरह की हरकतें कर रहा है तो उसको रोक दिया जाए। और इसी फोर्सफुल कन्वर्जन को रोकने के लिए बहुत सारे स्टेट्स ने एंटी कन्वर्जन लॉज बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, यहां से ही हमारा टॉपिक हो जाता है शुरू। अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, टॉपिक पाते हैं मुद्दे पे कि न्यूज किस लिए है। ये कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक लॉ पास किया है जिसका नाम है कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021, कॉमनली नोन एज कर्नाटका एंटी कन्वर्जन बिल। ऑलरेडी 9 स्टेट्स ने भारत में इस तरीके की अनलॉफुल कन्वर्जन को रोकने के लिए बिल लेकर आए हैं, जैसे ओडिशा है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो अभी तक हम लोगों ने एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में समझ लिया, और ये भी समझ में आ गया होगा अब तक कि ये जो सेक्युलरिज्म से किस तरीके से एंटी कन्वर्जन में हम लोग एंटर करते हैं, किस तरीके से आर्टिकल 25 के साथ 21 रिलेट किया हम लोगों ने। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे कि एंटी कन्वर्जन लॉ का इतिहास क्या है भारत में, भारत में एंटी कन्वर्जन लॉ का क्या इतिहास रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि भारत में दोस्तों एंटी कन्वर्जन लॉ पे बातचीत की कोई नई बात नहीं है। हम लोग इसको ऐसा देख सकते हैं कि अगर हम लोग थोड़ा सा प्री इंडिपेंडेंस की बात करें, प्री इंडिपेंडेंस समय की बात करें, तो इट वॉज एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाई हिंदू प्रिंसली स्टेट्स ड्यूरिंग 1930s एंड 40s टू प्रिजर्व देयर रिलीजियस आइडेंटिटीज फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज।
यानी कि हिंदू प्रिंसली स्टेट्स जो राजा महाराजा उस समय के हुआ करते थे, उन्होंने सबसे पहली बार इस चीज़ को देश में भारत में इंट्रोड्यूस किया था 1930s और 1940s में, मुस्लिम से बचने के लिए नहीं, बल्कि उनके ऊपर जबरदस्ती कन्वर्जन जो कर रहे थे क्रिश्चियन लोग उनसे बचने के लिए, क्रिश्चियन मिशनरीज के लोग उनसे बचने के लिए यह हरकत किया गया था। तो कौन कौन से ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने एंटी कन्वर्जन को तवज्जो दिया था उस समय, सो दैट दे कैन प्रिवेंट देयर आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी, एंड दे कैन प्रोहिबिट द क्रिश्चियन मिशनरीज टू फोर्सफुली कन्वर्ट देम इनटू क्रिश्चियनिटी। तो कौन कौन से राज्य थे उसको जान लेते हैं। नंबर वन, रायगढ़ स्टेट कन्वर्जन एक्ट ऑफ 1936, 100% एमसीक्यू में आ सकता है। दूसरा, पटना फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1942। नेक्स्ट, उदयपुर स्टेट एंटी कन्वर्जन एक्ट 1946। यहाँ पे एक एटसेट्रा भी दिया हुआ है, तो यानी कि और भी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स होंगे। आप तीन का याद रखें, दो का भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, पटना याद रखना, उदयपुर याद रखना, और अगर कुछ नहीं याद रह रहा है तो आप लिख दीजिएगा कि एंटी कन्वर्जन लॉज उस समय बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ने इंप्लीमेंट किया था। नाम पूरा याद ना रहे तो तीन जगह का नाम याद रखिएगा, रायगढ़, पटना और उदयपुर। उसके बाद 1954 ऑनवर्ड्स बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट हुए हैं नेशनल लेवल पे। फेल्ड अटेम्प्ट किस चीज़ में? एंटी कन्वर्जन लॉ को इंप्लीमेंट करने में। नंबर वन, 1954 में इंडियन कन्वर्जन बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इट वॉज अ बिल, लेकिन वो कभी पास ही नहीं हो पाया। उसके बाद बैकवर्ड कम्युनिटीज बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड, अगेन पास ही नहीं हो पाया। उसके बाद 1979 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, ये भी पास नहीं हो पाया, बिकॉज दे फेल्ड ड्यू टू पार्लियामेंट्री सपोर्ट, पार्लियामेंट के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं पार्लियामेंट का सपोर्ट? कोई चाहता है क्या कन्वर्जन हो? नहीं। बात यह है कि बाय द टाइम रिलीजन और पॉलिटिक्स ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, और इसी के लिए माइनॉरिटी में जो भी रहता है वो बहुत बड़ा वोट बैंक बन जाता है, और रिलीजन और माइनॉरिटी, कास्ट और माइनॉरिटी, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा पढ़ाई और लिखाई एक शख्स ने किया है। मैं नाम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, स्टार मार्क करके, मिस्टर रजनी कोठारी। इन्होंने कई सारी किताबें, कई सारे जर्नल्स पे लिखा है कि किस तरीके से रिलीजन को, कास्ट को इस्तेमाल किया गया है पॉलिटिक्स में। आप इनको देख सकते हैं गूगल करके। इसके अलावा करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस ये कि 2015 में लॉ मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को, या हम ये जो हमारा पर्टिकुलर चीज़ है कि एंटी कन्वर्जन लॉ लाना, ये कैसे लाएंगे? तो लॉ मिनिस्ट्री, सेंट्रल लॉ मिनिस्ट्री कहती है कि ये प्योरली एक स्टेट का मैटर है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो हर एक स्टेट अपने लिए एंटी कन्वर्जन लॉ पास करवा सकता है खुद के लिए, ठीक है। पार्लियामेंट वुड नॉट बी इन अकॉर्डेंस विद द टेनेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? लेजिस्लेटिंग सच अ लॉ बाय पार्लियामेंट वुड नॉट बी इन अकॉर्डेंस विद द टेनेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यह है कि क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट सब्जेक्ट में अगर पार्लियामेंट लॉ बनाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने सारे टेनेट्स हैं, जितने सारे प्रोविजंस हैं, प्रिंसिपल, उसके खिलाफ होगा। इसीलिए क्योंकि ये प्योरली स्टेट सब्जेक्ट है, तो बेहतर ये होगा कि स्टेट के लोग ही इनके ऊपर लॉ बनाएं। दिस मीन्स दैट द एंटी कन्वर्जन लॉज आर कंप्लीटली इन द डोमेन ऑफ द स्टेट्स, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और तभी हम लोगों ने देखा है कि इतने सारे स्टेट्स ने अपने अपने एरियाज में एंटी कन्वर्जन लॉ इस्तेमाल किया है। अब उसके बाद थोड़ा सा यहां पे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कोर्ट डिसीजंस ऑन एंटी कन्वर्जन लॉज, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। नंबर वन, स्टेनी लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड अदर्स। दूसरा, सरला मुद्गल अगेन। तीसरा, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड चौथा, एम चंद्र वर्सेस एम थंगमुथु एंड अदर्स 2010। एक एक करके देखते हैं। तो रेव स्टेनिंस लॉस जो केस है, इसमें कोर्ट अपहेल्ड करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अर्लीस्ट एंटी कन्वर्जन स्टैट्यूट इन मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। मतलब अपहेल्ड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का, मतलब ये कि वो जो भी लॉ निकाला है मध्य प्रदेश एंड ओडिशा ने विद रिस्पेक्ट टू एंटी कन्वर्जन, ये सही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। इसके अंदर ये भी चीज़ें कही गई है कि फ्रीडम टू प्रोपगेट वंस रिलीजन एज स्टिपुलेटेड अंडर आर्टिकल 25 क्लॉज 1 डिड नॉट ग्रांट द फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन। तो यही हम कह रहे थे कि अगर प्रोपगेशन के अंदर कन्वर्जन भी इंक्लूड कर दिया जाता फोर्सफुल तो ये सही होता, लेकिन फिर वो सेक्युलर कंट्री नहीं रहता। आर्टिकल 25 में फोर्सफुल कन्वर्जन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उस सामने वाले का 21 वायलेट हो जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, इट ऑल्सो अपहेल्ड दैट द एंटी कन्वर्जन एक्ट फॉल्स विद इन द परव्यू ऑफ द एंट्री 1 एंड एंट्री 2, एंट्री 1 ऑफ लिस्ट 2 इन द 7th शेड्यूल। एंट्री 1 मतलब टॉपिक नंबर 1, इन लिस्ट 2 मतलब स्टेट लिस्ट के अंदर ये पूरी तरह से आता है। इसका मतलब यह है कि इसको बनाने के पीछे, लॉ को बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ स्टेट असेंबली ही जिम्मेदार होगी। इसके अलावा सरला मुद्गल क्या कहते हैं? कहते हैं कि कन्वर्शन टू इस्लाम वॉज नॉट वैलिड इफ इट वॉज डन ओनली इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस पॉलीगैमी। मतलब तुम अगर इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हो, मान लो कोई लड़का है उसको बहुत सारी शादियां करनी है, मतलब दो तीन शादियां करनी है, ये दो तीन शादियां पॉलीगैमी करने के लिए आप इस्लाम में कन्वर्ट होते हो, क्योंकि उनके अनुसार आप एक से ज्यादा शादियां कर सकते हो लीगली। तो ये कोई रीजन नहीं हुआ कि हम इस्लाम को ज्वाइन करें, तो वो एक गलत इनवैलिड होगा वैसा कन्वर्शन। दूसरा, कोर्ट इन लता सिंह कोर्ट हाईलाइटेड द नीड फॉर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट ओवर द वायलेंस और द थ्रेट्स ऑफ द इंटरकास्ट एंड इंटरफेथ मैरिजेस।
कहा जा रहा है कि जब जब इंटरकास्ट या इंटरफेथ इंटररिलीजियस मैरिजेस होती हैं, आप ऐसे सिचुएशन में किसी सामने वाले को फोर्स नहीं कर सकते हो कि आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा जस्ट टू गेट मैरिड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम चंद्रा वर्सेस एम थंगमुथु एंड अदर्स, जो 2010 का लेटेस्ट जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली ये कहा है, द टेस्ट, एक टेस्ट किया जाएगा, परीक्षा ली जाएगी, टेस्ट टू प्रूव कन्वर्जन। फर्स्ट देयर हैज टू बी कन्वर्जन एंड सेकंड एक्सेप्टेंस इनटू द कम्युनिटी टू व्हिच द पर्सन इज कन्वर्टेड। ये दोनों चीजें। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अब हम कब मान लेंगे कि एक जगह पे जो कन्वर्जन हो रहा है वो फोर्सफुल है कि फोर्सफुल नहीं है, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा? सुप्रीम कोर्ट बोलता है पता चलने के दो तरीके हैं। अगर ये प्रूफ होता है कि फैमिली वाले, दूसरे जिसको कन्वर्ट किया जा रहा है वहां से फैमिली वाले ने कहा है कि कन्वर्जन हैज टू बी अ कन्वर्जन बिफोर मैरिज, देयर हैज टू बी अ कन्वर्जन, वरना शादी नहीं हो सकती, अगर ये पहला कंडीशन फैमिली वाले ने रखा है तो। दूसरा, कन्वर्जन के बाद उसको एकदम अपने कम्युनिटी में एक्सेप्ट करेंगे, उससे पहले अपने कम्युनिटी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक होगा हैज टू कन्वर्ट और दूसरा होगा एक्सेप्टेंस इन द कम्युनिटी। इन दोनों चीजें होंगी ओनली इफ दैट पर्सन इज कन्वर्टेड। और ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसे सिचुएशन हम अंदाजा नहीं, हम लोग पूरे ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि सामने वाले को फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है, विच इज इलीगल, इलीगल, इमोरल एंड इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो हैं, ये तीन चार जो केसेस हैं, ये चार केसेस आपने मेंस में लिखना है, एसए में लिखना है, और अगर केसेस के नाम याद नहीं रहे तो कम से कम लेटेस्ट जजमेंट जो है 2010 का, ये थंगमुथु वाला, ये तो कंपलसरी है लिखना, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट के बारे में बताया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक को कंप्लीट करेंगे।